क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर है उसमें हमारे पास कार्बन वन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री होना चाहिए। चलो अभी देखते हैं। तो इस पोजीशन पे हमारे पास ये कार्बन वन है ये वाला, तो ये सिक्स है, ये ऑक्सीजन है, तो ये मेरे पास कार्बन वन है तो ये फ्री है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड में देखें तो ये भी मेरे पास ऑक्सीजन ग्रुप है तो ये कार्बन वन है तो ये भी मेरे पास रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। इसमें देखें, इसमें ये ओ है तो ये कार्बन वन है तो ये फ्री नहीं है, इसमें ये ओ है ये कार्बन वन है ये भी फ्री नहीं है। सो देयर इज नो फ्री कार्बन वन, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बना सकते तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। इसमें भी देख लेते हैं, तो ये ओ है तो ये मेरे पास कार्बन वन है तो ये भी फ्री है तो ये भी मेरे पास रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो कैसे देखना है, जो कार्बन वन है, ठीक है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर वो फ्री है तो रिड्यूसिंग है, अगर वो फ्री नहीं है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है कहीं पे आगे तो वो जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।